हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद सौम्या में। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल शक्कर पारे। ये हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। पहले तो हम मैदे से बनाएंगे और साथ ही हम इसे गेहूं के आटे से भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाजार जैसे बिल्कुल क्रिस्पी शक्कर पारे बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। इसमें हम एक कप चीनी लेंगे और इसमें हम एक कप पानी लेंगे और साथ ही हम इसे मीडियम फ्लेम पर पूरा चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे। जी फ्रेंड्स, इसमें चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून तेल। इससे क्या होगा कि ये जो चाशनी है ये जमेगी नहीं। इसे हमें चाशनी जैसा बनाना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें चीनी को इसमें घोलना है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक तरफ एक बाउल लेंगे। इसमें हमने 2 कप मैदा लिया है। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/4 कप तेल का मोयन देंगे। सी फ्रेंड्स, ये मोयन देना बहुत ज़रूरी। इससे क्या होता है कि आपके जो शक्कर पारे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सी फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। सी फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करें। सी फ्रेंड्स, अगर ये इस तरह से बाइंड होने लगे इट मीन्स कि ये रेडी है। अब हमने जो ये चीनी का सिरप बनाया था इससे हम ये मैदे को गुनेंगे। जी फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका आपको सॉफ्ट डो बनाना है। डो बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। सी फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसका एक अच्छा सा डो बना लिया है और इसको अभी हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। सी फ्रेंड्स, 1/2 आवर हो चुके हैं। अब हम इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसे हम अब बेलेंगे। सी फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको बेलिए और इसे हमें मोटा ही बेलना है, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि बहुत पतला होगा तो ये कड़क भी हो जाते हैं बाद में। इसके लिए हमें इसे मोटा ही बेलना है। मोटा बेलने से इसमें क्रंचीनेस भी बनी रहती है। सी फ्रेंड्स, इसके लिए हमने इसे छोटा ही बेला है। और सी फ्रेंड्स, इसे आप अपने अपने अनुसार इसे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। सी फ्रेंड्स, इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन इतनी होनी चाहिए। सी फ्रेंड्स, हमने एक तरफ पैन में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये सारे शक्कर पारे हल्का सुनहरा होने तक तलेंगे। सी फ्रेंड्स, इसको आपको आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह से हल्का सुनहरा होने तक तलना है। सी फ्रेंड्स, इसे आप अच्छी तरह से आगे पीछे करते हुए तलें। सी फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से इसमें हल्का सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सी फ्रेंड्स, और इसे अब आप एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दें। सी फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने आटे सेम उसी तरह से हमने गेहूं के आटे का भी डो बना लिया है। फ्रेंड्स, गेहूं के आटे में भी आपको सेम प्रोसेस करनी है और गेहूं के आटे का आप थोड़ा सा पतला भी बनाओगे तो चलेगा। सी फ्रेंड्स, इसको भी सेम हमें उसी तरह से बेलना है और आप जिस शेप में चाहे इसे कट कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, हमने तो इसमें भी इसे स्क्वायर में ही कट किया है। आप इस तरह से भी इसके सारे एजेस निकाल के फिर इसे आप स्क्वायर में कट कर सकते हो। सी फ्रेंड्स, सी फ्रेंड्स, इसे भी हम ऑयल में तल लेंगे।
सी फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे हल्के और सुनहरे हो रहे हैं। सी फ्रेंड्स, ये हल्के सुनहरे हो चुके हैं। इसे भी हम ऑयल से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, जब ये ठंडा हो जाए तभी इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। फ्रेंड्स, जब आप इसे निकालते हो ना, जब ये तेल में से, तो ये थोड़े नरम होते हैं, बट ये आफ्टर कुछ समटाइम्स के बाद में ये कड़क हो जाते हैं। सी फ्रेंड्स, हमारे दोनों भी शक्करपारे रेडी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।